एक और टाइप है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जिसमें हमारे पास वेन एफ ओफ एक्स इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी एट लोअर लिमिट ए यानी जब लोअर लिमिट ए की वैल्यू पुट करें यानी लिमिट पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए तो अब हम क्या करेंगे ए टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे एप्सिलॉन लेंगे वेरी स्मॉल वैल्यू जो अप्रोच करेगी ज़ीरो को इसमें लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू यानी एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे ए प्लस एप्सी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक और चीज़ है या अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट आ जाए एट बोथ लिमिट्स दोनों लिमिट्स में तब हम क्या करेंगे तब भी लिमिट लेंगे एफ सी लॉन की कोई वैल्यू लेंगे वेरी स्मॉल वैल्यू जो अप्रोच करेगी ज़ीरो को तो लोअर लिमिट में हम इसको ऐड करेंगे और अपर लिमिट में से इसको सब कर देंगे इन दोनों को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं देखें एग्जाम्पल हमारे पास ये है ये लिमिट्स हैं और ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स थ्री टू पावर माइनस थ्री ओवर फोर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अब क्या करेंगे लोअर वैल्यू एक्स जब ज़ीरो पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिट हो जाएगी यानी ये वाली कंडीशन है इसमें लोअर लिमिट पुट की तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी आ गई यानी वन ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिट तो अब हमने क्या करना है एप्सिलॉन ये लिमिट अप्लाई करनी है लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन टू वन एक्स एस टू पावर ये आ गया अब हमने इसको इंटीग्रेट किया लिमिट्स पुट की तो ये इसको सॉल्व कर दिया तो देखें वैल्यू क्या आगे कोई फाइनाइट वैल्यू आई है तो इंटीग्रल क्या कहलाएगा कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहलाएगा अब इसको चेक करते हैं इस तरह का क्वेश्चन ये वाला बन जाता है देखें एग्जाम्पल में लेट आई इज़ इक्वल टू जीरो टू वन वन ओवर एक्स इन टू वन माइनस एक्स अंडर रूट डी ऑफ एक्स अब देखिए इसमें दोनों जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे फंक्शन की वैल्यू जब एक्स वाली एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट जब एक्स इज इक्ल टू वन पुट करेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट है तो देखिए दोनों लिमिट्स में फंक्शन की वैल्यू कौन सी आ रही है इन्फिनिट वैल्यू आ रही है तो अब हमने क्या करना है इसको यूज़ करना है लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू तो ज़ीरो इसमें एप्सिलॉन को ऐड करेंगे और अपर लिमिट में एप्सिलॉन को सबटेक्ट करेंगे और वन ओवर इसको एज इट इज़ लिख दिया यानी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे